हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे, जो पहले हम लोगों ने सेट थ्री में जो था हम लोगों ने सेट्स के बारे में देखा, इसके अलावा हम लोगों ने इसके मेथड्स देखे, इसके अलावा हम लोगों ने साइज देखा सेट का। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास वन टू वन कोरेस्पोंडेंस। स्टूडेंट्स, वन टू वन कोरेस्पोंडेंस क्या है? सबसे पहले तो आप देख लें कि वन टू वन कोरेस्पोंडेंस किसे कहते हैं। अब इसमें क्या है कि आज सेट ए, एक सेट जो हमारे पास ए कहला रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वन टू वन कोरेस्पोंडेंस सब कहलाएगा विद अ सेट बी। एक सेट ए हमारे पास जो है वन टू वन कोरेस्पोंडेंस जो है वो सेट बी के साथ तब कहलाएगा व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी मेड टू कोरेस्पोंड टू वन टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड कन्वर्सली। लाइक इफ यू टेक एन एग्जाम्पल, लाइक अगर हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल्स टू वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। अब इसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास जो हैं उतने ही एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो सेट बी में भी होने चाहिए। जैसे अगर हम लोग कोई भी सेट ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए बी सी एंड डी, आप देखें इसके अंदर भी हमारे पास फोर एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी हमारे पास फोर एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सेट ए है वो हमारे पास सेट बी जो है आपस में क्या है, वन टू वन कोरेस्पोंड है। लाइक अगर हम लोग ले लेते हैं इसको इस तरह से, जैसे आपको नहीं समझ आ रही, ए एंड बी हमारे पास दो सेट्स हैं, ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, ए बी सी एंड डी। अब अगर देखा जाए तो ये एलिमेंट्स हमारे पास ए के हैं और ये एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास बी सेट के हैं, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, कोरेस्पोंड हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ी सी लाइन टेढ़ी लग गई है, ऐसे टू वाला जो होगा बी के साथ होगा, थ्री वाला हमारे पास सी के साथ होगा और फोर वाला हमारे पास डी के साथ होगा। यानी ये आपस में हमारे पास क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से एक ही जितने एलिमेंट्स हमारे पास ए में थे उतने ही एलिमेंट्स बी में थे, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, वन टू वन कोरेस्पोंड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक जो है वो है वन टू वन कोरेस्पोंड का। आई होप स्टूडेंट आपको ये वन टू वन कोरेस्पोंड जो है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नया है वो है हमारे पास सबसेट्स। अब स्टूडेंट सबसेट्स क्या है हमारे पास, कि एक सेट जो है हमारे पास, अगर एक सेट के अंदर अ सेट डैट कंसिस्ट ऑफ सम एलिमेंट्स और मेंबर्स, अगर एक सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं और हमारे पास एक दूसरा सेट भी मौजूद है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो पहला सेट है हमारे पास उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि हमारे दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे एक सेट के अंदर मौजूद हैं जो कि हमारे दूसरे सेट में भी मौजूद हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सब सेट कहलाएगा उस सेट का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, अगर मेरे पास एक सेट है बी, एक सेट है मेरे पास ए, ठीक है, अब उसके एलिमेंट्स मेरे पास क्या हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड टेन, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक ए सेट के जो हैं वो एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से मेरे पास जो है वो एक बी सब सेट है और उसके एलिमेंट्स मेरे पास हैं वन थ्री एंड फाइव। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें इसके अंदर जो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे ए सेट के अंदर भी सारे सारे जो बी एलिमेंट्स हैं वो ए सेट के अंदर भी मौजूद हैं सारे एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो हमारे पास बी है वो किसका सबसेट हो जाएगा, ए का, बी सबसेट ऑफ ए। लेकिन हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए सबसेट बी। लेकिन हम लोग जो है इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ए सबसेट ऑफ बी ये हमारे पास नहीं कहलाएगा, ये हमारे पास ये कंडीशन कहलाएगी, बी सबसेट ऑफ ए और ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो सबसेट है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज एवरी मेंबर ऑफ सेट बी इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ सेट ए। इफ़ यू सी, तो हमारे पास जो कंडीशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, बी सबसेट ऑफ ए और ए लाइक दिस दिस साइन एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ सबसेट एंड बी। इसके अंदर हमारे पास ये कंडीशन नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे पास सपोज एक सेट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक सेट ले लेते हैं ए और वो हमारे पास क्या है, टू थ्री एंड फोर, और इसी तरह ऑन द अदर अगर हम लोग जो अदर जो सेट है अगर हम लोग ले लेते हैं, वो हम ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब देखा जाए तो इसके अंदर हमारे पास जो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ए है वो सबसेट है बी का, या हम लोग इसको लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन हम लोग इसको इस कंडीशन में नहीं लिख सकते, ये हमारे पास कंडीशन जो है वो इसकी नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो ए है वो सबसेट है बी का, बी इज़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ सेट बी।
तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, ए सबसेट बी और ए सबसेट बी, लेकिन हम लोग इसको इस कंडीशन में नहीं लिख सकते। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, ये दो जो इसकी कंडीशंस हैं हमारे पास, और इसकी दोनों की जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सबसेट की भी समझ आ गई होगी कि इसके अंदर जो है वो सबसेट क्या होता है, और ये इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी हैं, और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगला हमारे पास आ जाता है प्रॉपर सबसेट। अब इसमें क्या है कि हमारे पास इफ़ अ सेट कंटेन्स सम बट नॉट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट, अगर एक सेट कंटेन्स कर है कुछ एलिमेंट्स को जो है कंटेन करा, लेकिन सारे एलिमेंट्स को जो है वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है ए, मेरे पास यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 10। इसी तरह मेरे पास जो दूसरा सेट बी है उसके एलिमेंट्स मेरे पास हैं 1, 3 एंड 5। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि इसमें मेरे पास जो ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ बी के एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, वो सारे एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं। यानी मेरे पास 1, 3, 5 जो है और ए के अंदर जो है मेरे पास और भी एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है कि ए कंटेन्स ईच एलिमेंट बी, मीन्स बी सबसेट ऑफ ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो बी है वो मेरे पास सबसेट ए है, लेकिन बी जो है वो इक्वल नहीं है ए के। ये कंडीशन यहाँ पर शो हो रही है। Then the set B is defined to be a proper subset of A, ठीक है। एंड अगला हम अगर इसके अदर साइड पे अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है A is equals to 2, 3, 4 और B मेरे पास क्या है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 10। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि मेरे पास जो है वो ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में मौजूद हैं। इसका मतलब ये है मेरे पास कि ए जो है वो सबसेट है बी का, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि ए जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, वो बी के इक्वल ही है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं लेकिन वो इक्वल नहीं हैं दोनों आपस में सेट्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सेट ए है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इज़ डिफाइंड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। अगला हमारे पास है, ये तो हमारे पास हो गया प्रॉपर सेट है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। इसके अलावा स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट। अ सबसेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सेट। ये इसकी डेफिनेशन है, और इसको हम किस साइन से डिनोट करते हैं, लाइक दिस साइन। इसमें हमारे पास एक सबसेट का साइन और साथ में उसके एक नीचे एक लाइन है जिसका मतलब ये है कि वो क्या हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर हम लोग इस एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्स जो है वो एक सेट है और उसके एलिमेंट्स मेरे पास है ए बी सी एंड डी। ठीक है, और इसी तरह मेरे पास एक और सेट है वाई, उसके भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में इम्प्रॉपर सबसेट हैं, बिकॉज इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं एक्स के अंदर वही जो सेम एलिमेंट्स हमारे पास वाई के अंदर भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है वो इम्प्रॉपर सबसेट है वाई का। तो मैं इसको इससे लिखूँगी एक्स इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई। तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे होगी कि इसमें क्या है कि हमारे पास एक सेट है जैसे एक्स अ सबसेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सबसेट, और उसका साइन हमारे पास ये होता है। और मैंने इसकी एग्जांपल दी है, और ये हमारे पास ये कंडीशन इसकी बन जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सबसेट का जो है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसमें मैंने आपको सबसे पहले जो आपको बताया है वो सबसे पहले तो था 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके। उसके बाद मैंने आपको सबसेट के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया। आई होप आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।